उस वक्त मैदान में मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया जब रिजवान के आउट होने के बाद उनके लौटते समय भारतीय क्राउड जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाने लगी। हर कोई बस एक दूसरे को ही देखे जा रहा था। बेशक रिजवान की जर्सी में मोहम्मद लिखा हुआ था, इसी वजह से क्राउड रिजवान को देखकर ऐसा रिएक्ट कर रही थी, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। आगे जो कुछ होने वाला था जानकर आप भी भौचक के रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज पाकिस्तान के लिए सिर्फ दो प्लेयर्स ही रन बना पाए, बाबर आजम जिन्होंने पहली वर्ल्ड कप 50 जमाई, तो दूसरे मोहम्मद रिजवान जो कि 49 रनों पर बुमराह के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए, जिसके बाद तो सारी पाकिस्तान टीम किसी ताश के महल की तरह ढह गई। वहीं जब रिजवान आउट होकर लौट रहे थे तब उनकी जर्सी में मोहम्मद लिखा हुआ देख भारतीय क्राउड जय श्री राम के नारे लगाने लगी, जिसके बाद रिजवान ने पलट कर भी नहीं देखा। वैसे आपको यह जेस्चर कैसा लगा कॉमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।